मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मैं एक परिवार में गया हुआ था। परिवार के मालिक और उनकी पत्नी काफी उम्रदार हो चुके थे। उनका एक ही बेटा है 30 साल का, और वो भी काफी वर्षों के बाद उनको मिला था। और वो बेटा काम करने से इनकार करता है, कहीं भी काम पे जाता है, एक दो महीने के बाद उसको छोड़ के वापस आ जाता है, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर वापस आ जाता है। कभी कहता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, कभी कहता है कि बहुत ज्यादा ठंड है, कहता है कि काम ज्यादा है। माँ बाप 70 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं और वे बहुत दुखी हैं। वे सोचते हैं कि इस बेटे की शादी कैसे होगी, अगर वो अच्छा काम ना करें तो कौन लड़की उसका हाथ थामेगी। कुल मिलाकर बहुत निराश थे। मैं उस परिवार को अच्छी तरह जानता हूं। ये बालक छोटा था उस समय, या उसके जन्म से पहले उसके माँ बाप बहुत ज्यादा आराम की जिंदगी जीते थे। अच्छा कपड़ा पहनना, टूर जाना, खाना पीना, जब बच्चा हुआ उसके बाद भी उस बच्चे को भी इसी तरह से पाले थे। अच्छा कपड़ा पहनाना, अच्छी तरह खिलाना, इस कदर वे लोग खिलाते थे कि उसकी बुद्धि का विकास कम हुआ और पढ़ने में वो कमजोर था। और आज वे रो रहे हैं कि हमारा बेटा काम नहीं करता है, वो आलस्य का शिकार हो गया है, वो आलसी हो गया है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। कई लोगों की समस्या है कि वे आलस्य के शिकार बन गए हैं, वे आलस्य के आत्मा के कब्जे में आए हैं। तसलोनिकियों के दूसरे पत्र की अध्याय 3:10 में संत पौलुस कहते हैं, जैसा कि जब मैं आपके साथ था आपको मैंने एक नियम दिया था, जो काम करना नहीं चाहता है उसे भोजन ना दें, जो काम करना नहीं चाहता है उसे भोजन ना दें। सूक्ति ग्रंथ में हमें बहुत सुंदर सुंदर वचन मिलते हैं। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 6:9 से हम पढ़ते हैं, आलसी तुम कब तक पड़े रहोगे, तुम अपनी नींद से कब जागोगे, थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना, ऐसा होने पर गरीबी तुम पर डाकू की तरह टूट पड़ेगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। वचन कहता है, आलसी तुम कब तक पड़े रहोगे, तुम अपनी नींद से कब जागोगे। आलस्य एक खतरनाक चीज है। कलीसिया में मूल पापों के बारे में सिखाती है, 7 मूल पाप। इन 7 मूल पापों में एक पाप है आलस्य। इसको क्यों मूल पाप बताया गया है, इसमें से अन्य पाप उपजते हैं, उत्पन्न होते हैं। आलसी आलस्य में आकर क्या क्या नहीं कर सकता है, चोरी कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी का छीन सकता है। हमें सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में दाऊद के बारे में पढ़ने को मिलता है। दाऊद इसराइल का यशस्वी राजा, जो 40 वर्षों तक इसराइल पर शासन किया था, ईश्वर का प्रिय राजा। सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 1 से, वसंत ऋतु का समय था जब सभी राजा अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध के लिए जाया करते थे, लेकिन इस बार दाऊद के अंदर आलस्य आ गया। उसने अपने सेनाध्यक्ष योआब के साथ सारी सेना को भेजा और दाऊद यरूशलेम में ही रह गया, राजमहल में रह गया, उसके अंदर आलस्य आ गया। वचन में लिखा हुआ है, दोपहर को उसने अच्छी तरह भोजन किया, भोजन के बाद विश्राम किया, विश्राम करने के बाद शाम के समय उठकर अपनी महल के छत पर टहल रहा था। आलसी की आंखें प्रलोभन ढूंढती हैं। दाऊद अपने महल के छत पर टहल रहा था, उसे दूर एक नारी को नहाते हुए दिखाई दिया और उसकी नजरें उस पर गईं और उससे मोहित हो गया। अपने एक नौकर को यही पता लगाने के लिए भेजा कि वो कौन है।
जब दाऊद को पता चला कि वह उसकी ही सेना के एक साधारण सैनिक की पत्नी है, उसको बुलवाया, उसके साथ व्यभिचार किया। जब उस नारी ने बाद में दाऊद को इस बात का पता लगवाया कि मेरे गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है, उसको छिपाने के लिए दाऊद ने उसके पति को सेना से बुलाया और उसके साथ सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह सोने के लिए तैयार नहीं था। दाऊद को बहुत क्रोध आया, उसके हाथ में एक चिट भेजा सेनाध्यक्ष के नाम पर कि इस बात का ख्याल करना कि इसको सबसे आगे खड़ा करना सेना के, और इस बात का पता लगाना कि ये मार डाला जाए। वो मार डाला गया, दाऊद ने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना ली। पाप पर पाप कहां से शुरू हुआ? आलस्य से। दाऊद को लड़ने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन दाऊद के अंदर आलस्य आ गया। उसने सोचा कि इतने साल मैं लड़ता रहा, इस साल में विश्राम करूं, आलस्य आ गया, जिसके कारण उसके जीवन में पतन हुआ। अपराध पर अपराध उसने किया। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 19 में, आलसी का पथ कांटों से भरा है। आलसी का पथ कांटों से भरा है। दाऊद के आलसी का फल क्या था, परिणाम क्या था? कांटे पर कांटे। उसके ही परिवार में विभाजन आ गया। उसका एक बेटा अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है, दूसरा बेटा उस बेटे को मार डालता है, और आज वही बेटा दाऊद को मार डालने के लिए तत्पर है। दाऊद को यरूशलेम छोड़कर जंगल की ओर भागना पड़ा, और उसके बाद भी उस परिवार पर विभाजन आया। आलस्य कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में हमें पढ़ने को मिलता है, एक कुलीन व्यक्ति अपना घर छोड़कर परदेश जाता है, और जाते समय अपने सेवकों को बुलाता है और उनकी योग्यता के अनुसार किसी को 5,000, किसी को 2,000 और किसी को 1,000 अशर्फियां देता है व्यापार करने के लिए। जब वो वापस आया, जिसने 5,000 पाया था उसने 10,000 बना दिया था। आकर कहा कि मालिक, आपने मुझे 5,000 दिया, मैंने उसको 10,000 बना दिया, ये लीजिए। मालिक ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। इसी तरह 2,000 पाए हुए नौकर भी आकर बोला कि मैंने उसको दुगना किया है। मालिक ने वही कहा, लेकिन जिसको 1,000 मिला था उसने सोचा कि मेरा मालिक बहुत क्रूर है, जहां वो बोता नहीं वहां पे वो काटता है, इसलिए वो डर गया। इसीलिए उसने उस 1,000 को ले जाकर एक कपड़े में बांधकर मिट्टी के नीचे रखा, अंदर रखा, छिपा कर रखा। जब मालिक आया तो कहा, मालिक ये 1,000 आपने मुझे दिया था, मैं जानता था कि आप कठोर हैं, जहां बोते नहीं वहां पे आप काटते हैं, इसीलिए मुझे डर था कि मैं खो ना दूं, इसीलिए मैंने व्यापार नहीं किया, मैंने छिपा कर रखा, ये लीजिए। मालिक ने कहा, रे दुष्ट और आलसी सेवक, मैं तुम्हारे ही वचनों से मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। अगर तुम्हें डर था कि मैं क्रूर हूं, तो क्या इसे किसी महाजन के यहां नहीं रख सकते थे, ताकि सूत कम से कम मिल जाता? उसको पकड़कर बंदी गृह में रखा जाता है। एक सुंदर दृष्टांत है। ईश्वर ने हमें कई प्रकार के वरदान दिए हैं, उन सारे वरदानों को बढ़ाना हमारा काम है, लेकिन जो छिपा कर रखता है उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। हमें सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 6 उसके वाक्य 6-8 तक एक सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6-8 तक बहुत ही सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, आलसी तुम चींटी के पास जाओ। सुनिए, आलसी तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। प्रभु कहते हैं, आलसी
तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। उसका ना तो कोई स्वामी है, ना कोई निरीक्षक और ना कोई शासक। वह समय पर अपने रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। उसका निरीक्षण करने के लिए कोई नहीं है। छोटी सी चींटी अपने लिए परिश्रम करती है, अपने लिए मेहनत करती है और अपने लिए कमाती है, पाती है, इकट्ठा करती है। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 128 उसके वाक्य 1 और 2 में, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 128 उसके वाक्य 1 और 2 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते और उसके मार्गों पर चलते हैं। तू अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते और उसके मार्गों पर चलते हैं। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। कई साल पहले मैंने एक छोटी सी अंग्रेजी फिल्म देखी। उस फिल्म ने मेरी जिंदगी को काफी हद तक बदल डाला। वो फिल्म थी माई लेफ्ट फुट, अर्थात मेरा बायां पैर। एक जवान लड़का था जो केवल अपनी इच्छा से बाएं पैर को ही हिला सकता था। शरीर का कोई भी अंग वो अपनी इच्छा से चला नहीं पाता था। मेहनत करता था लेकिन हो नहीं पाता था। ऐसे लोगों को हम अंग्रेजी में स्पैस्टिक बोलते हैं, जिनके नस और इंद्रियों का जो मेल है टूटा हुआ है। उसका बाएं पैर केवल चलता था अपनी इच्छा से। एक दिन की बात है, उसके छोटे भाई और बहन पढ़ने के कक्ष में बैठकर पढ़ रहे थे और इस युवक ने एक छोटा सा चोक का टुकड़ा उठाया और अपने बाएं पैर से जमीन पर लिखने का प्रयास किया, MA, मा। और उसके भाई बहन चिल्लाने लगे, हंसने लगे। उसकी मां किचन में खाना पका रही थी, दौड़ के चली आई ये पता लगाने के लिए आखिर क्या हो रहा है। उसने देखा कि उस लड़के ने, युवक ने, अपने बाएं पैर से लिखा है मां। उस मां ने उसको गले से लगाया और कहा कि बेटा, मैं तुमको पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। आप विश्वास करेंगे, उस लड़के ने अपने बाएं पैर से लिखना शुरू किया और उसने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है माई लेफ्ट फुट, मेरा बाएं पैर। और उसको फिल्म चलचित्र बनाया गया और उसको ऑस्कर अवार्ड मिला, सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। उस फिल्म को देखने के बाद मैं अपने समय को बर्बाद नहीं कर पाता हूं, एक पल को भी बर्बाद नहीं कर पाता हूं। अपने समय का सही उपयोग प्रयोग करने का प्रयास करता हूं। कुछ साल पहले की बात है, छत्तीसगढ़ से एक परिवार आश्रम में आया था। पत्नी ने कहा कि पति सरकारी नौकर है, बहुत अच्छे पद पर है, लेकिन नौकरी जाने वाली है। मैंने पूछा क्या कारण है। ये काम पे जाते नहीं हैं, ये बड़े आलसी बन गए हैं, घर पे पड़े रहते हैं। मैंने उस भाई से पूछा कि भाई कब से समस्या आपको। बोलता है कि बचपन से मुझे आलसी की समस्या है, लेकिन जब नौकरी मिल गई उसके बाद तो बिल्कुल ही मन नहीं करता काम करने के लिए। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, नींद को प्यार मत करो, नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी की कमी नहीं होगी। कई लोगों को नींद से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा सोना चाहते हैं। वचन कहता है, नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी की कमी नहीं होगी। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 10 में उसके वाक्य 4 और 5 में हमें बहुत सुंदर वचन मिलते हैं, बहुत सुंदर है। वचन में लिखा हुआ है, आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। आगे लिखा हुआ है, जो उपयुक्त समय पर रसद एकत्र करता है वो बुद्धिमान है। जो उपयुक्त समय पर रसद एकत्र करता वो बुद्धिमान है, जो फसल के समय सोता रहता वो घृणित है। कई लोगों को नींद से बहुत ज्यादा ही प्यार है, बहुत ज्यादा सोना चाहते हैं, न
नतीजा क्या है? वचन में लिखा हुआ है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 25 में, आलसी का लालच उसे मारेगा क्योंकि उसके हाथ काम करना नहीं चाहते। वचन में लिखा हुआ है कि आलसी का लालच उसको मारेगा। आलसी बहुत सारे सपना देखता है और बहुत सारी मांगे रखता है, सोचता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन वचन में लिखा हुआ है यही लालच उसको मारेगा, उसको तड़पाएगा, वो परेशान रहेगा कि मुझे ये चाहिए लेकिन ये मिलता नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उसके हाथ काम करना नहीं चाहते। बहुत कुछ चाहता है लेकिन काम करना नहीं चाहता है, उसके लिए परिश्रम करना नहीं चाहता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है, 10 कुमारियों का दृष्टांत। 10 कुमारियां दूल्हे की अगवानी करने के लिए मशालें लेकर निकल पड़ती हैं। उनमें से 5 कुमारियां समझदार थी, उन्होंने अपने साथ कुप्पियों में तेल भी लिया था, लेकिन 5 नासमझ थी, उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया था, कुप्पियों में तेल नहीं लिया था। दूल्हे के आने में देर हो गई, रात का समय था, सभी ऊँघने लगे, आधी रात में आवाज आई कि दुल्हा आ रहा है और सभी कुमारियां जग गईं। उन्होंने देखा कि हमारी मशालें बुझने को हैं। समझदार कुमारियों ने अपनी कुप्पी के तेल को मशालों में डाल दिया, मशालें जलने लगीं। नासमझ लोगों ने कहा, कुमारियों ने कहा कि हमें भी तेल दीजिए। समझदारों ने कहा कि कौन जाने कि ये तेल हमारे लिए काफ़ी होगा कि नहीं होगा, आप लोग जाके खरीदिए। और वे खरीदने के लिए गए रात के समय, आधी रात को, और जब तक कि वे वापस आए तब तक दूल्हा अंदर आ गया और विवाह मंडप बंद हो गया। समझदार कुमारी अंदर गईं, नासमझ कुमारियां बाहर रह गईं। एक ही उद्देश्य के लिए सभी निकल पड़े थे, दूल्हे की अगवानी करने के लिए, विवाह मंडप में दूल्हे के साथ आनंद मनाने के लिए, लेकिन समझदार कुमारियां उसके अंदर प्रवेश कर गईं, नासमझ बाहर रह गईं। ऐसा क्यों? क्योंकि नासमझ कुमारियों ने अपने लिए तैयारी नहीं की थी, समय रहते समय भी उन्होंने तैयारी नहीं की। उन्होंने सोचा देखा जाएगा, अगर देर हो जाएगी तो देखा जाएगा। कई लोग इस दुनिया में इसी तरह होते हैं, टालने वाले। कई आलसी लोग अपने कार्यों को टालते हैं, कहते हैं कि बाद में देखा जाएगा। कई लोग अपने कार्यों को टालते रहते हैं, बाद में के लिए टालते रहते हैं। बहुत सुंदर वचन है सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता किंतु फसल के समय ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। और एक बार सुनिए क्या लिखा हुआ है, आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता किंतु फसल के समय ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। जब हल चलाना था उस समय उसने हल नहीं चलाया, खेत जोतना था खेत नहीं जोता, बीज बोना था बीज नहीं बोया, अब वो फसल काटने के लिए जाता है, ढूंढने पर भी उसको फसल नहीं मिलती है। हमें उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 3 में बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है, वहां पे लिखा हुआ है हर बात के लिए एक समय होता है, बीज बोने का समय होता है, फसल काटने का समय होता है। जो बीज नहीं बोता है वो फसल नहीं काट पाएगा, जो समय पर बीज नहीं बोता है उसे अच्छी फसल नहीं मिलेगी। हर बात के लिए समय होता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 4 में वचन कहता है, आलसी की आशा व्यर्थ है, आलसी की आशा व्यर्थ है किंतु परिश्रमी की इच्छा पूरी होगी। वचन कहता है आलसी की आशा व्यर्थ है किंतु परिश्रमी की इच्छा पूरी होगी। आलसी लेटे लेटे महल बनाता है, सपनों का महल बनाता है, ये करूंगा वो करूंगा, ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन होता नहीं है। परिश्रमी की इच्छा पूरी होती है, जो परिश्रम करने के लिए तत्पर है उसकी इच्छा पूरी होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आलस्य एक बहुत बड़ा बंधन है। कई परिवार उसके आलसी सदस्यों के कारण बर्बाद होते हैं।
आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। हो सकता है कि आपके परिवार में कई सदस्य हों जो आलसी हों, पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई के समय खेलते रहते हैं, मोबाइल में खोए हुए हैं, या नौकरी नहीं पाना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, सोना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ टहलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, कपड़े पे जोर है, भोजन पर जोर है, टूर पर जोर है, परिश्रम पर जोर बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें ऐसे बंधनों से आज़ाद कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें आगाह किया है, हमें आह्वान किया है कि हम परिश्रमी बने, हम प्रभु पर भरोसा रखें, परिश्रमी बने, ताकि तू हमारी योजनाओं को, हमारी इच्छाओं को पूरी कर सके। हमारे अंदर जो आलस्य की आत्मा है, उस आलस्य की आत्मा को निकाल कर हमें आजाद कर यीशु। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को तू आजाद कर, स्वतंत्र कर। तूने अपने पवित्र वचन में कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु, हमें स्वतंत्र कर आलस्य की आत्मा से, इस बंधन से हमें आजाद कर, स्वतंत्र कर, ताकि हम परिश्रमी बने। तूने अपने वचन में कहा है कि तेरे पिता की महिमा इसमें है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें और तेरे शिष्य बने रहें। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 8 में तूने कहा है, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। हमें आलस्य से बचा, आलस्य की आत्मा से छुटकारा दे, हमें स्वतंत्र कर ताकि हम परिश्रम कर सके तेरी महिमा के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, पिता की महिमा के लिए। आमीन।